हेलो फ्रेंड, आज हम आपको टी बर्ड जिसमें बिना हड्डियों का जो हम टी बर्ड लगाते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ये देख लीजिए, हमने एक जो हमें पसंद है उस फल की एक टहनी ले ली और उसको हम जो पत्तों को साफ कर लेते हैं ताकि हमारा जो बर्ड है वो अच्छे से लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू। आइए जानते हैं कि विदाउट बिना हड्डी का जो है टी बर्ड कैसे लगता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, कम से कम तीन आँख, आप देख रहे हैं, कम से कम तीन आँख होनी जरूरी है ताकि अगर एक आँख सूख गई तो दूसरी आँख तीसरी आँख काम आ सके। ये देखिए, ये चुल्लू का पौधा है और हमने पहले उसकी जो है जड़ के को साफ कर लिया। अब उस पर हम जो है चाकू द्वारा ठीक का निशान बनाएंगे और फिर उस पर जो है विदाउट हड्डी का, जो कि मई से जुलाई तक के महीने में इसको लगाया जाता है। और इस विधि से आप एक पेड़ पे जो है, अगर उस पर ज़्यादा टहनियाँ हैं तो चार से पाँच, आपकी इच्छा, अगर उसमें जितनी टहनियाँ उतने प्रकार के फल आप लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इस बीजू पेड़ पे जो है टी जो है लिख चुके हैं और अब हम उसको उसकी खाल को थोड़ा हल्का अलग करेंगे ताकि हमारा जो है बट वहाँ पे जो है आराम से लग सके। पूरी ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें ताकि जब आप इसको अपने घर पे या अपने किचन गार्डन पे इसको आप ट्राई करें तो आपको कोई नुकसान ना हो और आपका बट चलने लगे। ये देखिए, खाल बिल्कुल अलग हो चुकी, टी नमून का हमें ये बनाना है। और आप काटेंगे हम जो है बट, वो कैसे काटेंगे, उसे बड़े सावधानी से काटना है और उसमें विदाउट हड्डी का, जिसमें जो है हड्डी जैसी नहीं आनी चाहिए। अब देख, हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये हमारी शाखा जो हमने ली थी अभी, और हम इसका अब बट निकाल लें। बट में ये चयनित कर लें कि उसमें कम से कम तीन आँख होनी जरूरी है और फलदार पेड़ का ही जो है वो ले शाखा ले। ये बड़े सावधानी से चलाए चाकू को, और अगर हमने सावधानी से नहीं चलाया तो इससे हमें जो है चोट आ सकती है। ये देखिए, ये देखिए, हमने बट बिल्कुल सावधानी पूरा निकाल चुके हैं। बट की में जो है जो आँख है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, आप देख सकते हैं। और इसको हल्का मुंह में लगा लीजिए, हमारे लार में जो है चिपचिपा पदार्थ होता है वो इसको जो है नमी देने में बहुत सहायक है। ये देखिए, बिना हड्डी का, यानी कि इसमें जो लकड़ी की जो शाखा है उसका जो है डंठल बहुत ही कम मात्रा में होता है, ना के बराबर। आइए हम करते हैं बट। ये देखिए, हमने जो टी बनाया था उसमें इसको आराम से लगा लीजिए। ये देखिए, जो और जो ऊपरी सिरा जो है छूट जाता है तो बट का, उसको हम कट कर सकते हैं। उसको कट कर लीजिए और उस पर जो है जैसे आप बैंडिंग करते हो या उसको आप टेप लगाइए या प्लास्टिक लगाइए, बड़ी सावधानी से लगाएं इसकी आँख को बचा कर। हमें इस पर जो है प्लास्टिक लगाना है ताकि इसमें ईयर ना जा पाए और हमारा बट सक्सेसफुल हो जाए। ये देखिए, पूरी देखिए वीडियो ताकि आपको जो है सारी जानकारी मिलते हैं और आप भी इसको अपने किचन गार्डन में ट्राई कीजिए और आप एक पेड़ पे जो है कई प्रकार के आप फल लगा सकते हैं। आराम से जो है इस कार्य को करें और प्लास्टिक को खींचते हुए करें, उसमें जो है ईयर जाने लायक जो है ना बने। ये देखिए, हमने आँख के सिरे को बचाते हुए और पूरे को अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद आप इसको अच्छे से बांध लें। अगर आप गांठ आपको बात नहीं आती है तो आप इस पर टेप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा बिना हड्डी का
टी बट ग्राफ। तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।